राजधानी कीव में हवाई हमले की चेतावनी दी गई है, लोगों को शेल्टर में जाने को कह दिया गया है। कीव में सायरन की आवाजें लगातार सुनाई दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ खार्किव में रूस की सेना घुस गई है। खार्किव की सड़कों पर रूस की सेना देखी गई है, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। वहां पर रूस की सेना का जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिख रहा है। रूस की सेना भीतर प्रवेश कर चुके हैं यूक्रेन के, कीव की ओर वो बढ़ना चाहती है। और ऐसे में कीव जो यूक्रेन की राजधानी है, वहां पर लगातार सायरनों की आवाज सुनाई दे रही है। लोग डरे सहमे हुए हैं और लोगों को साफ संकेत दे दिया गया है, साफ वहां पर गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वो शेल्टर्स, जो सबसे क्लोजेस्ट शेल्टर्स आसपास में, जो भी शेल्टर उनको मुहैया हो, वहां पर जाकर खुद को महफूज रखें, खुद छिप जाएं, क्योंकि ताकि जंग से वो बच पाए, खुद को महफूज रख सके। और लगातार सायरनों की आवाज पूरे के पूरे कीव क्षेत्र में सुनाई दे रही है। लगातार सायरनों की आवाज आपने सुनी, किस तरीके से पूरे कीव में अब दहशत फैल गई है। वहीं युद्ध की मार झेल रहे यूक्रेन के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। कई देशों में रूस के खिलाफ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं तमाम यूरोपीय और दूसरे देश यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं। रूस से लड़ाई में यूक्रेन की मदद के लिए कई देश सामने भी आए हैं और लगातार मदद पहुंचाई जा रही है, हथियार पहुंचाए जा रहे हैं, हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके से यूक्रेन खुद को अकेला महसूस ना करे। क्योंकि इससे पहले जेलेंस्की का एक वीडियो भी हमने देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम ये जंग अकेले ही लड़ेंगे क्योंकि हमें कहीं से भी सहायता नहीं मिल रही है। हालांकि उनकी ओर से लगातार जो देश है उनसे अपील की गई थी, नेटो देशों से अपील की गई थी, अमेरिका से अपील की गई थी कि उनकी सहायता की जाए, उनको हथियार मुहैया कराए जाए, ना कि उनको यहां से बाहर निकलने की सलाह दी जाए। और ऐसे में यूक्रेन को, यूक्रेन के समर्थन में अब कई ऐसे देश हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं, फ्रांस, जर्मनी, और इसी वजह से कई तरह की पाबंदियां भी अब रूस झेल रहा है क्योंकि उसने लगातार आक्रामक रवैया यूक्रेन को लेकर अपनाया हुआ है। वो पीछे हटने को तैयार नहीं है, वो चाहता है कि किसी भी तरीके से यूक्रेन उसके आगे झुक जाए और उसकी शर्तों को वो मान ले, लेकिन जेलेंस्की और उनके सैनिक लगातार यूक्रेन में डटे हुए हैं। तो आज रूस यूक्रेन युद्ध का चौथा दिन है। न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको हर अपडेट बता रहे हैं और सबसे पहले हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश करेंगे कि रूस का क्या दावा है, यूक्रेन का क्या दावा है। तो देखिए, यूक्रेन का दावा है रूस के 14 विमान 8 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, ये यूक्रेन का दावा है। दूसरी तरफ रूस का अपना दावा है यूक्रेन के 7 विमान 8 हेलीकॉप्टर ध्वस्त कर दिए हैं। तो दोनों देशों के अपने अपने दावे हैं। हालांकि रूस की ताकत काफी ज्यादा है, पूरी दुनिया उसका लोहा मानती है, लेकिन यूक्रेन अभी तक झुका नहीं है। तो रूस के 14 विमान 8 हेलीकॉप्टर मार गिराए हैं, ये यूक्रेन बड़ा दावा कर रहा है। आज युद्ध का चौथा दिन है और ऐसे में दोनों देश अपने अपने दावे कर रहे हैं। तो यहां पर आप समझिए कि रूस ने यह दावा किया है कि 7 विमान 8 हेलीकॉप्टर रूस ने ध्वस्त कर दिए हैं यूक्रेन के। अलग अलग दावे दोनों ही ओर से हो रहे हैं, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध के चौथे दिन रूस ने बड़ा दावा जो किया है वो है दक्षिण यूक्रेन के 2 शहरों पर कब्जा करने का दावा। उसने ये कहा है कि दक्षिण यूक्रेन के ऐसे 2 शहर हैं जहां पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है और धीरे धीरे अब वो कीव की राजधानी की ओर, यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर लगातार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो चाहता है कि किसी भी तरीके से पूरे यूक्रेन पर उसका कब्जा हो। और रूस का यहां पर बहुत बड़ा दावा जो निकलकर सामने आ रहा है वो यह यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर उसने हमला किया है, 975 सैन्य ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है, ये रूस का दावा है। बड़े दावे उसकी ओर से हो रहे हैं। इससे पहले उसने ये भी दावा किया था कि यूक्रेन के दक्षिण में 2 ऐसे शहर हैं जहां पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है, साथ साथ 975 सैन्य ठिकाने ऐसे हैं यूक्रेन के जहां पर उसने अपना कब्जा जमा लिया है। चौथा दिन है आज, 4
दिन हो चले हैं, लेकिन अब भी युद्ध की गहमागहमी वैसी ही बनी हुई है, जस की तस बनी हुई है। और लगातार ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है और ना ही रूस, और रूस यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन की इसी जिद को लेकर आक्रामक रवैया अपनाया हुआ है। रूस भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और उसकी ओर से कोशिश की जा रही है कि वो हर शहर पर, लगभग हर शहर पर जो बड़े बड़े शहर हैं यूक्रेन का, यूक्रेन के, वहां पर अपना कब्जा जमा ले। और इसीलिए दक्षिण के दो ऐसे शहर बताए जा रहे हैं जहां पर रूस अपना ये दावा कर रहा है कि उसने कब्जा जमा लिया है। और वहीं रूस और यूक्रेन के बीच सुलगी आग की आंच में दुनिया तप रही है। महायुद्ध ने दुनिया की राजनीति का संतुलन और झुकाव ही बदल कर रख दिया। जंग के बीच विश्व शक्तियां कूटनीति और रणनीति की चालें चल रही है। एक तरफ रूस और चीन है, दूसरी तरफ यूक्रेन के साथ अमेरिका, ब्रिटेन सहित नेटो देश है। रूस यहां यूरोप पर अपने दबदबे की लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं चीन ताइवान पर अपनी नजर गड़ाए हुए है। अमेरिका के समंदर का सिकंदर, जहां से सी हॉक हेलीकॉप्टर हुंकार भरते हैं, जो अपने गोले और मिसाइलों से मचा सकता है कोहराम। अमेरिका के समुद्री तट का सेनापति यूएसएस रॉल्फ जॉनसन अपने 380 ऑफिसर्स की फ्लीट के साथ ताइवान की तरफ बढ़ रहा है, जिसने अब चीन की चिंता बढ़ा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये महत्वपूर्ण अपडेट है, क्योंकि चीन ने ताइवान को हथियाने की चाल चलनी शुरू कर दी है। और जैसे यूक्रेन को रूस अपना हिस्सा मानता है, वैसे ही ताइवान को चीन अपना बताता है। रूस और यूक्रेन की जंग में ताइवान यूक्रेन के साथ खड़ा है और चीन रूस के साथ। एक दिन पहले ही ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी थी कि चीन के 9 एयरक्राफ्ट उसकी हवाई सीमा में घुस गए थे, और उसके 9 एयरक्राफ्ट के ताइवान में घुसने को इसी प्लानिंग का हिस्सा भी माना जा रहा है। चीन ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार बार किया। एक महीने में चीन के लड़ाकू विमानों ने 12 बार ताइवान में घुसपैठ की। पिछले साल नवंबर में चीन के 28 लड़ाकू विमानों ने ताइवान के हवाई क्षेत्र में घुसपैठ की थी। इसके बाद नाराज ताइवान ने हवाई घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को भेजा था। रूस यूक्रेन युद्ध के पहले दिन ही ताइवान अलर्ट नजर आया और उसने बिना देर किए दुनिया को बता दिया कि चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में घुसने की कोशिश की है। नवंबर 2021 में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया था कि चीन के 28 विमानों ने उसके एयर डिफेंस बफर जोन में प्रवेश किया। चीन की इस हरकत का उसने जवाब भी दिया था।